ओके जी, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर 2 मिनट वेट करते हैं। मूवी जी कंटिन्यू करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस, एलिमिनेशन ऑफ इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स अमंग मेंबर्स। इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, हमारे खुद के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारा जो लोगों के साथ, औरों के साथ हमारे जो कम्युनिकेशन लेवल्स हैं, अब हमने वो चीज़ें जो कि हमारा एक प्रॉब्लम क्रिएट करें, टू मेक बॉन्ड विद समवन एल्स, टू मेक बॉन्ड विद अदर्स, तो वो चीज़ें हमने इस टेक्निक के बेसिस पे, वो चीज़ हमारी एलिमिनेट हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। फिर साथ में हमारा एफिशिएंट यूज़ ऑफ एक्सपर्ट्स टाइम, हमारा एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर प्रॉपर जो हमारा चैनल होता है, इसमें जब हम टाइम यूज़ करते हैं, स्पेंड करते हैं एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स टाइम का मतलब है कि जो उस चीज़ में, जैसे हमने हम डेल्फी टेक्निक ही पढ़े हैं ना, तो डेल्फी टेक्निक में जो मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, तो एक्सपर्ट टाइम जो होता है वो एफिशिएंटली यूज़ कर रहे होते हैं। एडिक्वेट टाइम फॉर रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस बाय रिस्पोंडेंट, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हुआ है, जो डिसाइड किया गया है, जो इनिशिएटिव लिया गया है, जो रिस्पोंडेंट होते हैं उनके एनालिसिस के लिए, उनका उनका उस प्रॉब्लम को या उस डिसीजन को समझने के लिए उनको काफ़ी टाइम दिया जाता है। जैसे हमने क्वेश्चनेयर डिस्कस किया कि पहले प्रॉब्लम को डायग्नोज किया जाता है, देन वो प्रॉब्लम जो है एक क्वेश्चनेयर फॉर्म में जो है लिखी जाती है। फिर सेकंड स्टेप में ये होता है कि वो क्वेश्चनेयर जो है रिस्पोंडेंट को मेल किया जाता है, सॉरी उनको हैंड ओवर किया जाता है या मेल किया जाता है, और उससे जो आंसर्स आते हैं, उनसे जो रिस्पॉन्स आता है, फिर उसके बेसिस पे सेकेंड जो क्वेश्चनेयर है उसको बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चनेयर बनाने का बेसिक पर्पस ये होता है कि फर्स्ट क्वेश्चनेयर में कोई लीकेजेस रह गई है तो सेकंड क्वेश्चनेयर इसको कंप्लीट करे। फिर सेकंड क्वेश्चनेयर में जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स या जो एरियाज अनसॉल्व रह गए हैं, अनरिजॉल्व रह गए हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, देन एक फाइनल सोल्यूशन निकालते हैं। तो वो फाइनल सोल्यूशन तब तक नहीं निकलेगा जब तक वो सारे एरियाज ऑफ कंसर्न जो है वो कवर नहीं हो जाते। अगर वो थर्ड क्वेश्चन ईयर में भी कवर नहीं होते, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जितने भी क्वेश्चन ईयर हैं, अनटिल एंड अनलेस उस टाइम तक जब तक वो प्रॉब्लम या वो सिचुएशन जो है वो हैंडल नहीं हो जाती। एंड डाइवर्सिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ आइडियाज जनरेटेड, जितने क्वेश्चन ईयर ज़्यादा हो रहे हैं उतने ही आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बन रहे हैं, स्ट्रेटजीज डिफरेंट हो रही है, कैटेगराइजेशन ज़्यादा हो रही है, तो ये इसका एडवांटेज है।
डिसएडवांटेज क्या है, कम्प्लेक्सिटी है। कम्प्लेक्सिटी इसलिए है कि क्वेश्चनियर पे क्वेश्चनियर्स बन रहे हैं ना, हाई कॉस्ट है, हाई कॉस्ट इन्वॉल्व। हाई कॉस्ट इन्वॉल्व में क्या है, हाई कॉस्ट इन्वॉल्व में ये है कि टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ देखे ना, अब टाइम इज मनी, टाइम ज़्यादा हो रहा है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं। हाई कॉस्ट में क्या है, हाई कॉस्ट में क्या है, हाई कॉस्ट में आप मेल कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्डेंट को क्वेश्चनियर दे रहे हैं, आप उसको जो है उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग तो डेफिनेटली है। टाइम कंज्यूमिंग की बार बार एक चीज़ बन रही है, बार बार एक चीज़ आप दोबारा से उसकी री एवेल्यूशन कर रहे हैं, आप फिर से रिजल्ट की तरफ, फाइनल कंक्लूजन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, आप दोबारा से क्वेश्चनियर बना रहे हैं, आप तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार क्वेश्चनियर बना रहे हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी, अमाउंट और कॉग्निशन यूज़ हो रही है। क्लियर? यस मैम। कॉन्सेंसस मैपिंग में क्या है, फाइनल टेक्निक इज हियर एन अटेम्प्ट इज मेड टू अराइव एट अ डिसीजन बाय पुलिंग द आइडियाज टुगेदर जनरेटेड बाय सेवरल टास्क सब ग्रुप्स। प्रोसेस इसका क्या है, इट बिगिंस व्हेन डेवलपिंग आइडियाज बाय अ टास्क सब ग्रुप। सब ग्रुप मतलब ग्रुप का जो एक एक पार्ट ऑफ ग्रुप होता है, या जैसे हम क्लास में डिफरेंट ग्रुपिंग करते हैं ना, अब एक ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप में सब ग्रुप क्या है कि आपने एक को जो है उसी ग्रुप में जो है फर्दर ग्रुपिंग कर ली, कैटेगराइजेशन कर ली। अब 10 बंदों के ग्रुप में आपने तीन तीन बंदों का एक 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 अलग अलग ग्रुप बना दिया, तो उनके जो आइडियाज़ होते हैं या उनके जो सजेशंस होते हैं वो काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं। वो जो माइनर या सब ग्रुप्स के डिसीजन होते हैं या सजेशन, डिसीजन मैं नहीं कहूँगी, उनके जो आइडियाज़ होते हैं वो आइडियाज जाके मेन ग्रुप ही को जाएंगे ना, देन मेन ग्रुप ही उस पर एक्शन लेगा। द फेसिलिटेटर्स इनकरेज पार्टिसिपेंट टू फर्दर डिवेलप क्लस्टर्स ऑफ आइडियाज के, और जो सब ग्रुप के मेंबर्स हैं वो और आइडियाज बनाएं, और न्यू जो है इनोवेशन लेके आए, और न्यू जो है कैटेगराइजेशन करें, वेज प्रोवाइड करें। दीज आइडियाज जो जनरेटेड आर डिवेलप एंड नैरोड इन सिंपल नंबर ऑफ आइडियाज। ये आइडिया जब एक एक बंदा है उसने क्रिएट की, आप भी सब ग्रुप का पार्ट है, मैं भी सब ग्रुप का पार्ट हूँ, हमारी जो आइडियाज़ हैं, हमारी जो एवेल्यूएशन है, हमने जो सिनेरियो प्रेजेंट किया, वो फर्दर मेजर ग्रुप की तरफ ही जाएगा ना, देन मेजर ग्रुप ही डिसाइड करेगा कि इसके साथ हमने क्या करना है। दे आर कंसोलिडेटेड इंटू आर रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग मैन मैप which is further narrowed down to arrive at the mutually accepted solution. अब बहुत ज़्यादा ideas बन गए ना, तो उस ideas में जो कि unnecessary है या ज़्यादा fruitful नहीं है, उस ideas को हटाते जाते हैं, एक चीज़ को enhance कर रहे हैं, enhance कर रहे हैं, then final में एक जो है वो glorious या ज़्यादा जो acceptable या ज़्यादा fruitful result वाला जो decision होगा वही रह जाएगा, और वही decision mutually एक्सेप्टेबल होगा, आपने भी उसको एक्सेप्ट करना है, मैंने भी उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो हमारा जो था वो हमने फाइनल जितने भी सॉल्यूशंस थे उसका एक हमने एक निचोड़ या उसका हमने एक समराइज या कंक्लूजन फॉर्म हमने ले लिया। अब हमने इतने आइडियाज जनरेट किए तो डेफिनेटली जो हम फाइनल लेंगे वो सबसे ज़्यादा अच्छा ही होगा ना। सो कंसेंसस मैपिंग टेक्निक इज बेस्ट सुटेड फॉर द प्रॉब्लम दैट आर मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो कि सिर्फ सिंगल डिसीजन पे या एक ही टेक्निक पे सॉल्व ना हो, हैव इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप, जैसे इंटरलेटेड कनेक्टेड रिलेशनशिप में अगर हम अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को ले लें, एंड इन्वॉल्व मैनी सिक्वेंटल स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है सीटी मॉर्गन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उन्होंने जो है टेक्निक बताई। टेक्निक क्या है, स्टेप वाइज ये है, जैसे हम कहते हैं ना टू डायग्नोज अ प्रॉब्लम, जैसे डिसीजन मेकिंग में है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी वही है, पहले आपने डायग्नोज करना है, देन आपने क्या करना है, रिकॉल द प्रीवियस एक्सपीरियंस को रिकॉल करना है। उस प्रीवियस एक्सपीरियंस के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो चीज़, वो सिनेरियो आपके साथ हुआ हो, लेकिन
आपने उस सिनेरियो में इनडायरेक्टली, उस सिनेरियो को आपने इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस किया। इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस का मतलब कि आप उसमें अवेलेबल नहीं थे लेकिन आपने उससे लेसन लिया। फिर आप क्या करते हैं, आप एक न्यू स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उस न्यू स्ट्रेटेजी की जो है आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन न्यू स्ट्रेटेजी की क्या है, जो आपने डिसाइड किया मैंने ये काम इस तरह करना है, वो काम उस तरह करना है। फिर न्यू स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन के बाद, जैसे डिसीजन मेकिंग का भी फाइनल प्रोसेस है ना इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, फिर आप जो है एवेल्यूशन और मॉनिटरिंग करते हैं, मैंने जो इनिशिएटिव लिया वो कहाँ तक एक्सेप्टेबल या सुटेबल था। क्लियर? यस मैम। एनी क्वेश्चन? कोई मल्टी डायमेंशनल जो है एग्जांपल दें इसकी। ओके, मल्टी डायमेंशनल एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे जो है बाकी हजारों प्रॉब्लम्स इंटरकनेक्टेड हो, उसमें बेसिक आपका क्या आ जाता है, लेट सपोज अगर हम बात करते हैं पॉवर्टी की, हमारी गुर्बत, पॉवर्टी क्या है, क्या पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम नहीं है? अगर एक बंदा गरीब है, रिस्पांस व्यक्ति, रिस्पांस व्यक्ति क्योंकि अभी अभी का जो है हमारा जो सारा टॉपिक वो जनरल पे, जनरल डिबेट होगी, तो पार्टिसिपेट करें प्लीज। मल्टी डायमेंशन में अगर हम इसको रिलेट करते हैं पॉवर्टी के साथ, पॉवर्टी हमारा क्या है, हमारा रूट ऑफ प्रॉब्लम है। अब उस पॉवर्टी के साथ हमारा फिजिकल, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल या हमारा साइकोलॉजिकल, सारे प्रॉब्लम्स इसके साथ कनेक्ट है। पॉवर्टी है, लीक ऑफ एजुकेशन होगी, पॉवर्टी है लीक ऑफ मैनरिज्म होगा, पॉवर्टी है एथिक्स नहीं होगी, पॉवर्टी है ब्रीचिंग ऑफ लॉ होगी, पॉवर्टी है डिप्रेशन होगा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना, पॉवर्टी है वीकनेस होगी, पॉवर्टी है रिवेंज होगा, पॉवर्टी है साइकोपैथी टेंडेंसीज होगी, पॉवर्टी है एंटी सोशल क्राइटेरिया होगा। एक ही चीज से, और एक ही चीज से इतने ढेर सारे जो है वो प्रॉब्लम जनरेट हो गए। ये मैं जो है मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रही हूँ। अब जैसे एक एक बंदा थेरेपिस्ट के पास आता है, तो उसको जो है लेट सपोज वो बार बार अपने बाहर जाता है या जाती है, ओसीडी ज़्यादातर जो होता है फीमेल्स में होता है। ओसीडी स्टैंड्स फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फिर इसमें ओसीडी, ओसीपीडी भी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाता है तो क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है, लेकिन जब ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, जस्ट पर्सनैलिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, फिर इसकी रिकवरी के जो है स्पीडी रिकवरी हो सकती है अगर थेरेपी और टेक्निक्स आप सही इंप्लीमेंट करते हैं। साइड बाय साइड आपका जो पेशेंट या क्लाइंट होता है वो भी मोटिवेटेड हो टूवर्ड्स बेटरमेंट, फिर आपकी थेरेपी इफेक्टिव होगी, फ्रूटफुल होगी। तो मल्टी डायमेंशनल के साथ लेट सपोज मैं एक सिनेरियो जनरेट कर रही हूँ। एक एक बंदी है जो आती है, एक आपकी क्लाइंट है, एक आपकी पेशेंट है जो आपके पास आती है, और वो बड़ा जी डिप्रेशन में है, डिप्रेस्ड है। वो कहती है मैं, आप जब उसकी इंटरव्यू लेती हैं, आप उससे बातचीत करती हैं, आप उसकी इंटरव्यू में नहीं कहूँगी, आप उसकी असेसमेंट करती हैं, तो असेसमेंट में आपने फाइंड आउट किया कि हाँ ये औरत जो है बार बार जब बाहर जाती हैं, घर का लॉक देखती हैं, बार बार गैस का नाप देखती हैं,
इसी का स्विच लगाया है, नहीं लगाया, अनप्लग किया है, नहीं किया, लाइट्स बंद किए, बंद नहीं किए, ऊपर टेरेस का दरवाज़ा बंद किया, बंद नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बार बार चेक करती हैं। और तो मैं होता है ना ये सब बच्चे। यस मैम, अब ये जो है ये हम इसको फिर लेबल नहीं कर सकते ओसीडी में। ये हमारा जो है ऑब्सेशन या कंपल्शन जो हमारे होते हैं ना, ऑब्सेशन हमारे रिपीटेड जो हमारे थॉट्स होते हैं, कंपल्शन हमारा रिपीटेड हमारा वो बिहेवियर होता है दैट वी आर कंपेल्ड टू डू, जो हम मजबूर होते हैं करने के लिए। सो कंपल्शन में मेरे जो ऑब्सेशन हो गए, मेरे जो थॉट्स हो गए, अब कंपल्शन मेरा क्या है, मेरा बिहेवियर, मैं बार बार घर का नाप चेक करूंगी, घर का डोर लॉक चेक करूंगी, बंद है बंद नहीं है। मेजोरिटी औरतों में, 100% औरतों में ये चीज़ होती है, लेकिन हम इसको लेबल नहीं कर सकते। लेबल हम तब करेंगे जब वो फुल क्राइटेरिया मिलेगा। फुल क्राइटेरिया में क्या है, एज ड्यूरेशन है, ऑनसेट है, सेवेरिटी क्या है, अगर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ये सारा सिनेरियो कंप्लीट होता है, देन हम लेबल कर सकते हैं कि वो ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। अच्छा, अब ओसीडी में क्या है, वो बंदी बड़ी डिप्रेस्ड होके आई है, तो जब वो डिप्रेशन के साथ आई है तो आप उसकी डिप्रेशन को ट्रीट करेंगे? जाग जाएं प्लीज। मैम अगर ओसीडी की पेशेंट है तो हम तो उसकी ओसीडी की डायग्नोसिस करेंगे ना, डिप्रेशन के अलावा। लेकिन ये तो ओसीडी मैंने आपको बता दिया ना बच्चे कि उसको ओसीडी है। अब वो आई है डिप्रेशन के साथ, और डिप्रेशन उसका ये है कि मैं बार बार घर की नॉब चेक कर रही हूँ, घर का लॉक चेक कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, सुकून नहीं है, बार बार मैं वजू कर रही हूँ, बार बार ये, इन लोगों में जो होता है ना बच्चे, इनमें पाकी और नापाकी वाला कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। जस्ट ये घर के दरवाजे चेक करना, ये करना, ये नॉर्मल सब में है, ये आप ही करती होंगी, ये मैं भी करती हूँ, ये सब करते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे वो रिलीजियस उनके थॉट्स होते हैं, जिसको हम रिलीजियस कहते हैं ना, साइकोलॉजिकली वो क्या होता है, वो कहते हैं कि पाकी ना पाकी, ये जगह पाक नहीं है, ये अगर मेरी जाए नमाज पे किसी ने पढ़ लिया, नमाज पढ़ ली तो वो मेरी जाए नमाज ना पाक है, अगर वो वॉशरूम से वजू भी किया है तो वो वॉशरूम के सामने जो मैट पड़ा है उस पे पाँव नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये मैट जो है वो नापाक है, हमारे पाँव नापाक हो जाएंगे। वजू करने से पहले एक दूसरा जो है फुट मैट रखेंगे, वॉशरूम के मैट पर नहीं रखेंगे, उससे डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि वो एक जंप में उधर तक आसानी से पहुंच जाए। फिर वो जो उस मैट पे पहुंच जाते हैं, फिर वो मैट भी जो है फोल्ड कर लेते हैं, रख लेते हैं, जब नमाज पढ़ते हैं फिर उठा के फिर डालते हैं। अच्छा वो है, अब ये कह रही कि यार मेरे साथ तो ये मसला है, फिर हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं? फिर हम बच्चे उसको इस तरह ट्रीट करते हैं कि हम सारा असेसमेंट लेते हैं, अब हमने रूट कॉज को ट्रीट करना है। रूट कॉज हमारा क्या है, रूट कॉज हमने फाइंड आउट किया, आप आपकी फील्ड एक्सपर्टीज है, आप समझ गई हैं, आपने डिफरेंट जो साइकोलॉजिकल टेस्ट आपने इम्प्लीमेंट किए, उसके एवोल्यूशन के बेसिस पे आपने कहा ये तो ओसीडी है। अब ओसीडी को आपने क्या, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की आपने टेक्निक्स देनी है। ये नहीं करना कि आप डिप्रेशन के लिए आप उसको जो है कन्फ्रंटेशन थेरेपी या एक्सपोजर थेरेपी या फैमिली थेरेपी दें, नहीं, हमने सीबीटी पे रिलाई करना है। सीबीटी पे रिलाई करेंगे, सीबीटी कॉग्निशन है, साथ में इसका कनेक्ट है, कॉग्निशन के साथ क्या कनेक्ट है, कॉग्निशन के साथ हमारा, सॉरी एक मिनट मैं जी आपको ड्रॉ करके बता दूं क्या है इसका, ये जस्ट आपको मैं मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कॉग्निशन आपका ये जो है आपका इफेक्ट, मतलब है आपका फीलिंग, ये कनेक्ट होता है फिर आपके बिहेवियर से, और ये दोबारा से कनेक्ट होता है फिर
अब आपने कॉग्निशन पे काम करना है, कॉग्निशन पे काम करेंगे बिहेवियर एनहेंस होगा, बिहेवियर के साथ फीलिंग्स या इफेक्ट जो है वो मॉडिफाई होंगे। आपने ये नहीं करना कि आप डिप्रेशन के लिए बैठ जाएं, डिप्रेशन पे अपना जो है वो टाइम वेस्ट करें। डिप्रेशन पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने रूट कॉज को फाइंड आउट करना है। जहाँ जैसे हमने अभी एग्जांपल दी मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है पॉवर्टी की, अब पॉवर्टी के लिए ये नहीं है कि जी मैं उनको जी रूल्स लॉ रूल्स रेगुलेशन समझाने के लिए सेमिनार्स दूँ। वो बीमार हैं, उनको जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं उनको कहूँ कि जी ठीक हो जाएंगे, नहीं। अब मैंने पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए कोई स्टेप लेने हैं, मैंने उनको क्या करना है पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए, क्या मैंने उनको रोज़गार प्रोवाइड करना है, हेल्दी वे ऑफ लाइफ हमने प्रोवाइड करनी है। ये प्रोवाइड नहीं करना कि जी आ जाएं सेमिनार के लिए बैठ जाएं। एक गरीब बंदा, एक भूखा बंदा, एक बंदे को भूख लगी है, आप उसको कहे आके सेमिनार के लिए बैठ जाओ, तो वो आके बैठेगा? आप उसको को आओ खाना खाने के लिए बैठ जाओ, वो आएगा बैठेगा? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग है आपकी, हाउ टू कम्युनिकेट एंड व्हाट आर योर वर्ड्स, व्हाट आर योर एक्शन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर आपके उस सिचुएशन के अप्रोप्रिएट आपका बिहेवियर है, आपका आपके कम्युनिकेशन है, आपका वे ऑफ इंटरेक्शन है, तभी आप सक्सेसफुल हैं। लेकिन आप उस सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहे। जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट है सिचुएशन को नहीं समझ पा रही, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स है, लेकिन रूट कॉज एक ही है, वो जड़ को ख़त्म करें। लेकिन जड़ जो है वो समझ नहीं आ रही कौन सी है। सो ये हमारा है मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू, अगर हमने पॉवर्टी की बात की या साइकोलॉजिकल हमने बात की, तो एक ही चीज़ से जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है जनरेट या इमर्ज हो रही हैं। पिटफॉल बैरियर्स टू इफेक्टिव ग्रुप डिसीजन मेकिंग, चलो पहले इसको हटा देते हैं। ये जो मैंने जी पिटफॉल बैरियर्स टू इफेक्टिव ग्रुप डिसीजन मेकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, रिप्लेसिंग हायर प्रायोरिटी टास्क विद टास्क ऑफ लोअर प्रायोरिटी। अब पिटफॉल्स या बैरियर क्या है? बैरियर हमारा कोई भी रुकावट हो सकती है, कोई भी हर्डल हो सकता है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे मलाइका बच्चे बैरियर्स को हम? मैम यानी ग्रुप कम्युनिकेशन या डिसीजन मेकिंग में कोई भी, मतलब अगर वो सकर इफेक्ट या वो जो राइडर इफेक्ट आपने पहले बताया था, यानी मतलब दूसरों पर जो है वो अपना काम सौंप देते हैं, खुद अपना कोई काम नहीं करते, डिसीजन मेकिंग में वो कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते, तो मतलब उस डिसीजन ग्रुप डिसीजन मेकिंग में उसके लिए बैरियर आ जाता है ना। मतलब ग्रुप वर्क तो फिर वो नहीं होता, तो इंडिविजुअल वर्क होता है फिर। हाँ, वो तो फिर इंडिविजुअल वर्क हो गया। अब बैरियर क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है कि मैं काम को डिले पे डिले कर रही हूँ, कोई रीज़न नहीं है, लेकिन मैं जो है वो काम डिले कर रही हूँ। वो मेरा पर्सनल रीज़न भी हो सकता है, वो मेरा लेजीनेस भी हो सकता है, या कोई भी रीज़न हो सके। मे बी मैं उस काम को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकती या नहीं देना चाहती, वो काम मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। अब डिसीजन मेकिंग की हम बैरियर्स की बात कर रहे हैं ना, पिटफॉल्स या बैरियर्स की हम बात कर रहे हैं। प्रोक्रास्टिनेशन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब मैं खुद काम डिले करूँ, जैसे मैं कहूँ ना कि लेट्स सपोज मैंने आपके लेक्चर्स अपलोड करने, नहीं पहले फलाने के कर दूँ, पहले इसके कर दूँ, पहले उसके कर दूँ, मैं आपका काम जो है उसको मैं अपनी पीक प्रायोरिटी नहीं दे रही,
जब मैं पीक प्रायोरिटी नहीं दे रही, तब मैं आपके क्लास की जो एवेल्यूशन या असेसमेंट है, मैं उसको जो मीन वाइल टाइम है मैं उस पर कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी. क्यों? क्योंकि उसमें मेरी खुद की मर्जी नहीं थी, मेरा खुद का लेजीनेस था. या अगर मेरा लेजीनेस नहीं भी है, मैंने आपके काम को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी. एक ये हमारा जो है एक ड्रॉबैक है. बोलिस्टरिंग रीएनफोर्सिंग अ डिसीजन बाय एग्जिजरेशन इट्स फेवरेबल. अब क्या करते हैं हम, कोई सा भी हमने डिसीजन लिया, उसके जो प्लस पॉइंट्स हैं, लेट सपोज मैंने एक एक डिसीजन लिया जिससे मुझे 10% एडवांटेज है, लेकिन मैंने उसके एडवांटेज को, उसके बेनिफिट को जो है वो आपको 60-70% प्रेजेंट करके दे दिया. तो जो लो प्रायोरिटी टास्क था मैंने उसको हाई प्रायोरिटी टास्क बना दिया, और आप सब उसी टास्क को जो है कंप्लीट करने में लग गए. कॉन्सिक्वेंसेज एंड मिनिमाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट्स अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेज. अब इसके जो प्रोज एंड कॉन्स है, इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है क्या नहीं है, मैंने उसको हाईलाइट ही नहीं किया, मैंने इसको आउट ऑफ स्क्रीन कर दिया. मैंने आपको बताया ही नहीं कि यार ये तो टाइम कंज्यूमिंग है और मुझे तो इतना एडवांटेज हुआ ही नहीं है. मैंने आपको मिसगाइड किया. वो मिसगाइडेंस मेरी क्या थी कि मैंने आपको कॉन्सिक्वेंसेज उसका रिजल्ट नहीं बताया. अनफेवरेबल जो उसका आउटकम है वो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया. जब हम फुल थ्रू आउट डिस्कशन नहीं करते, जैसे हमारे डेल्फी टेक्निक है, तो डेल्फी टेक्निक में क्या होता है, डेल्फी टेक्निक में एक्सपर्ट लोग होते हैं जो निगोसिएशन करने की पावर रखते हैं. फिर हमने पढ़ा, हमने उसके बाद जो टेक्निक पढ़ी, उसके बाद हमने ये कौन सी टेक्निक पढ़ी, कॉन्सेंसस मैपिंग में हमने पढ़ा कि बार बार जो है वो क्वेश्चनेयर बन रहा है, तो क्वेश्चनेयर में वो जो लीकेजेस रह गए हैं उसको ओवरकम कर रहे हैं. यहाँ पे मैंने कोई क्वेश्चनेयर नहीं बनाया, यहाँ पे मैंने कोई एक्सपर्टीज शो नहीं की, यहाँ पे पहली मेरी प्रोक्रास्टिनेशन आ गई, मेरी लेजीनेस आ गई, मेरी प्रायोरिटी आ गई, इंडिविजुअल प्रायोरिटी, कि मैंने एक टास्क को दूसरे टास्क के साथ रिप्लेस कर दिया. जो मेरी मर्जी थी मैंने वो इम्प्लीमेंट की. अब इसमें मैंने आपको अनफेवरेबल सरकमस्टांसिस का नहीं बताया, अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसिस का नहीं बताया, मैंने आपके साथ 100% कुछ भी शेयर नहीं किया. फिर हमारा आ जाता है डिनाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. नो इंडिविजुअल कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट. अब अगर डिसीजन जो है वो गलत हो गया, तो कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रेडी नहीं होगा, कोई भी अकाउंटेबल नहीं हुआ. लेकिन अगर वो डिसीजन सक्सेसफुल हो जाता है, फिर उसके सक्सेस के आउटकम्स के लिए सब रेडी होंगे. हर एक कहेगा मैंने इतना एफर्ट पुट किया है. लेकिन वो डिसीजन जब फेवरेबल नहीं आता, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ड्रेडफुल आते हैं, फिर कोई भी अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझता, कोई भी अपने आप को जवाबदेह या जिम्मेदार नहीं मानता. ये बैरियर्स हैं इफेक्टिव ग्रुप डिसीजन के हम पढ़ रहे हैं. फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है कॉग्निटिव लिमिटेशन एंड सब्सिक्वेंट एरर्स. कॉग्निटिव एंड मोटिवेशनल बायसेस कैन ऑफन इंपैक्ट ग्रुप डिसीजन मेकिंग. थ्री टाइप्स ऑफ बायसेस कॉग्निटिव, कौन सी थ्री टाइप्स ऑफ बायसेस हैं? सेंस ऑफ कमीशन, द मिसयूज एंड इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन. मिसयूज का क्या मतलब है, इनअप्रोप्रिएट. लेट सपोज मैंने यहाँ की, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन आपने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जो है लीक कर दी या स्प्रेड कर दी फॉर योर पर्सनल गेन. वो पर्सनल गेन आपका सॉर्ट ऑफ अमाउंट भी हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ करेंसी मनी भी हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ हायर ऑर्डर या रैंक भी हो सकता है. आपने क्या किया, आपने वो इंफॉर्मेशन जो आप पार्ट ऑफ ग्रुप थे आपने वो लीक की, वो आपने इंफॉर्मेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे ग्रुप के साथ जो है वो शेयर की. सेंस ऑफ ओमिशन, द ओवरलुकिंग ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन. जो यूजफुल इंफॉर्मेशन थी आपने उसको निगलेक्ट किया, आपने उसको जो है ज्यादा टाइम या ज्यादा उसको हाईलाइट किया ही नहीं. अब कमीशन में मैंने, मेरे पास दो रीजन हो सकते हैं, मे बी थ्री रीजन हो सकते हैं. रीजन नंबर वन, फाइनेंशियल क्राइसिस को मैं ओवरकम करना चाहती हूँ.
रीजन नंबर टू, मुझे एक अच्छा रैंक चाहिए। रीजन नंबर थ्री, मुझे ना अच्छा रैंक चाहिए ना मुझे फाइनेंशियल चाहिए, मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन से रिवेंज लेना है। ओमिशन में जो फ्रूटफुल आउटकम थे, जो जो यूजफुल इंफॉर्मेशन थी, जो कि स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन थी, वो मैंने जो है उसको मैंने निगलेक्ट किया। अब मैं निगलेक्ट करेंगे जो चीज़ ज़रूरी है उसको मैं जी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। अब जो गैर ज़रूरी चीज़ है उसको मैं इम्पोर्टेंस दे रही हूँ। एक नेगेटिव इफेक्ट होगा ना, बैड इम्पैक्ट होगा। सेंस ऑफ इम्प्रिसिजन, रिलाइंग टू हैवीली ऑन क्या है एक्सपेरिमेंट्स और सिंपलीफाई कंप्लीट डिसीजन। लेट्स सपोज हम दो दो ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। सेम टास्क देते हैं कि जी 10 पॉइंट्स लिखें अबाउट एनीथिंग, लाइक 10 पॉइंट्स लिखें अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, या 10 पॉइंट्स लिखें डिप्रेशन के बारे में या एंजाइटी के बारे में। ग्रुप ए को भी मैंने कह दिया, ग्रुप बी को भी मैंने कह दिया। अब ग्रुप ए और ग्रुप बी जो मैंने बनाया है, ये मेरी रैंडम सिलेक्शन है। रैंडम सिलेक्शन में ये है कि मैंने नहीं देखा कि कौन एक्सपर्ट है कौन एक्सपर्ट नहीं है, किसका क्राइटेरिया क्या है किसका क्राइटेरिया क्या है। मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया फ्रॉम जनरल पॉपुलेशन। अब यहाँ पे मेरी क्या है, कंपैरिजन में स्टडी कर रही हूँ ना, तो दो ग्रुप बनाए तो डेफिनेटली मैं कंपैरिजन ही कर रही हूँ। अब उस दो ग्रुप में वही एक सिंपल फिनोमेना था, जो ग्रुप ए का रिजल्ट आ गया ग्रुप बी का भी मेरे पास रिजल्ट आ गया। टू सम एक्सटेंट दोनों ग्रुप के रिजल्ट में 19-20 का फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा जो फर्क है, मैंने उस थोड़े फर्क को जो है वो निगलेक्ट किया। मैंने कहा नहीं सही है बस दोनों का। अब थोड़ा सा माइन्यूट सा भी फर्क होता है ना, वो भी काफी इम्पैक्ट या इफेक्ट रखता है। लेकिन मैंने उस चीज को जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। मैंने कहा बस वो रेंडम सिलेक्शन थी दोनों ही ग्रुप से। अब यहाँ पे जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा भी प्लस माइनस हो जाता है तो उसका बड़ा बहुत ही ह्यूज इफेक्ट होता है। हम यहाँ पे उस माइनूट प्लस माइनस को निगलेक्ट या ओवरलुक नहीं कर सकते। कंक्लूजन हमारा, ग्रुप डिसीजन मेकिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर डिसीजंस आर मेड बाय ग्रुप आफ्टर कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। सारी सिचुएशन को अच्छे से समझना, देन पार्टिसिपेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट, उनका सजेशन देना, देन फाइनल इन कंक्लूजन तक पहुंचना। ग्रुप डिसीजन मेकिंग कैन बी इफेक्टिव वे ऑफ अराइविंग एट अ सॉल्यूशन फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ अ प्रॉब्लम। ग्रुप डिसीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अनटिल एंड अनलेस के जो मेंबर्स ऑफ ग्रुप है वो जेन्युइनली सिंसियर एडवाइजेज या सजेशंस प्रोवाइड ना करें। अगर वो प्रोवाइड नहीं करते तो ग्रुप डिसीजन इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी 100% जो है पोटेंशियल शो कर रहे हैं, अपने सजेशन दे रहे हैं, अपने ग्रुप को जो है फर्दर मूव ऑन करने के लिए पुश कर रहे हैं, तभी जो ग्रुप है उसका डिसीजन, उसका फाइनल स्टेप, उसका जो फाइनल सिनेरियो है वो फ्रूटफुल होगा। अब अगर ग्रुप का डिसीजन जो है वो पॉजिटिव है तो रिवॉर्ड तो सबको मिलेगा ना। लेकिन अगर वो डिसीजन गॉड फॉरबिड पॉजिटिव या फ्रूटफुल नहीं है, फिर इस सिचुएशन में हम क्या कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, हम डिनाइल स्टेट में होते हैं। वी आर नॉट हेल्डिंग एनी अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन और प्रॉब्लम, जो भी हमारे साथ हुई या जो भी ग्रुप के साथ हुआ, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। So this was about your decision making process. Any question regarding your lecture or any sort of general question? मैम, ये ग्रुप डिसीजन मेकिंग में अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी बात है जो मतलब ग्रुप के 2-3 मेंबर्स अग्री नहीं कर रहे लेकिन बाकी अग्री कर रहे, या एक मेंबर अग्री कर रहे और बाकी नहीं कर रहे ना,
तो अगर वो अग्री नहीं कर रहे और ग्रुप के बाकी मेंबर्स अग्री कर रहे हैं, तो मतलब वो सिर्फ इस वजह से उनकी बात मान रहे होते हैं कि मतलब हम अगर बात ना माने, इनकी बात मानेंगे तो फिर जो है हम ग्रुप का हिस्सा नहीं रहेंगे ना, तो मतलब इस वजह से शायद वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं या गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो क्या ऐसा करें? ठीक है, मतलब कि सिर्फ एक ग्रुप में रहने के लिए वो गलत डिसीजन को अग्री करते हैं। यहाँ पे बच्चे देखिए ग्रुप के हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी। अब उस टेक्निक्स में ये भी आता है ना कि अब दो बंदे या तीन बंदे जो है वो एग्री नहीं है, यहाँ पे हमने अपने इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट को हमने मिनिमाइज करना है, उसको साइड पे हमने रखना है। ये जो हमारा डिसएग्रीमेंट होता है ये हमारा इंटरपर्सनल पे होता है, हमारी जातियात पे होता है। अगर हम अपने पर्सनल को साइड पे रखते हैं, प्रोफेशनली सोचते हैं, फिर शायद वो जो हमारे प्रॉब्लम्स है वो ओवरकम हो। फिर इसमें ये होता है कि डोमिनेंट मेंबर्स का इन्फ्लुएंस होता है। आपने जो डिसाइड किया, आप ग्रुप मेंबर जो आप हैं ग्रुप की, आप डोमिनेंट मेंबर हैं, मैं ज़्यादा डोमिनेटिंग मेंबर नहीं हूँ, तो मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन आपने कहा सही है या गलत है, तो टेक्निकली अगर हम बात करें ना, तो दिस इज़ रॉन्ग। रॉन्ग इसलिए है क्योंकि आपको भी उस ग्रुप में जो है आपको फ्रीडम है कि आप अपना डिसीजन प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाए, यहाँ पे मेरा सेल्फ एस्टीम लो है, सेल्फ करेज नहीं है ना। अगर मैंने ये कह दिया तो क्या होगा, शायद कोई बात माने या ना माने। फिर साथ में मेरे साथ क्या होता है, मल्टी डायमेंशन प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ। मल्टी डायमेंशन प्रॉब्लम क्या है, लेक ऑफ रिसोर्सेज है, मेरा बैकग्राउंड वीक है, मेरा बैकग्राउंड वीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब ये है कि मैं जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब यहाँ पे मुझे पहले अपने जो है खाने की परवाह होगी, पहले मुझे पेट की परवाह होगी। जब बात हमारे अपने पे आती है, अपने खाने पीने पे आती है, फिर हम भूल जाते हैं क्या सही है क्या गलत है। और फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, यही वो मकाम है, यही वो जगह है जहाँ आपका सही इम्तिहान हो रहा होता है। आपने अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, लेकिन यहाँ पे हम नफ्स को नहीं फिर कंट्रोल कर पाते। हमारा नफ्स हमारे हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम अपने नफ्स के कंट्रोल में होते हैं। ये चीज़ें गलत होती हैं, लेकिन अगर हम सही और गलत के लिए बैठ जाए ना, सही और गलत, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रूटीनली हम देखते हैं गलत हैं, लेकिन हम कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते। वी आर नॉट इन पोजीशन। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड, हम बैकग्राउंड को देखते हैं। अब बैकग्राउंड में मेरी पॉवर्टी है, बैकग्राउंड में मेरी लेक ऑफ रिसोर्सेज है, बैकग्राउंड में मेरा लेक ऑफ सेल्फ एस्टीम है, बैकग्राउंड में लेक ऑफ मेरा सेल्फ करेजमेंट है, बैकग्राउंड में मेरा लेक ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो मैं कैसे उस चीज़ को प्रमोट या सपोर्ट या इसको उसकी इंटेंसिटी को मिनिमाइज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। अब यही हमारा जो शऊर है, यही वो शऊर है कि जिसके बेसिस पे हमारा इम्तिहान होगा। इसके साथ आपकी आपकी बात के साथ मैं एक थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट जो है या इस्लामिक थोड़ा सा इवेंट या वाक्य जो है शेयर करना चाहूँगी, ताकि आपको आपका पॉइंट क्लियर हो जाए कि मिस ये गलत है या सही है। बच्चे जब एक बार जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो लकब है वो खलीलुल्लाह है। खलील का मतलब अरबी में दोस्त है, अल्लाह का दोस्त। ठीक, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी भी खाना नहीं खाते थे जब तक मेहमान उनके साथ नहीं होता था। एक मेहमान उनकी उनके दस्तरखान पे लाजिम होता था। अब देखिए ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ दस्तरखान पे एक मेहमान होना ज़रूरी था। अब वो मेहमान कोई भी हो सकता था, उस टाइम जो है इस्लाम नहीं था। अभी मैं ये नहीं कह रही कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो मुसलमान नहीं थे, वो अल्लाह की वाहदानियत के कायल थे, लेकिन इस्लाम का प्रॉपर जो नाम या इस्लाम का प्रॉपर जो एजेंडा है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। काफ़ी जो है ग्रुप में सन्नाटा होता है। खैर, बहरहाल दो मिनट है मेरे पास, मैं वाइंड अप करने की कोशिश करती हूँ। तो वो जो मेहमान हो जाता, वो कोई भी हो सकता था, वो काफ़ी भी हो सकता था,
इस्लाम ये था तब तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में, अगर हम देखें तो अल्लाह की वाहदानियत के कायल थे, लेकिन उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। फिर यहाँ पे हम कहते हैं कि काफिर के साथ बैठ के खाना हराम है, गुनाह है, इस्लाम में नहीं है। अगर वो चीज़ इस्लाम में ना होती तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम काफिर के साथ बैठ के खाना खा रहे होते? ये चीज़ हमने बनाई है ना, हमारी सेल्फ जनरेटेड चीज़ें हैं। पहले हकूकुल इबाद हैं, फिर हकूकुल ला है। हकूकुल इबाद में यही है कि आप किसी के साथ भी बैठ के खा सकते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। यहाँ भी हम कहते हैं नहीं, क्रिएशन के साथ नहीं बैठ के खाना, सुना होगा ना आप लोगों ने? जी मैम, काफी दफा। हाँ, तो या क्या वो क्रिश्चियन जो आपके जो रिलेटिव्स, आपके फादर, आपके भाई या आप खुद जो ऑनलाइन ऑर्डर्स करती हैं, बाहर से चीज़ें मंगवाती हैं, तो क्या वो क्रिश्चियन लोगों ने नहीं बनाए? वो फूड बिल्कुल आइटम्स मैम, जो हम लेते हैं, आपको मार्स पसंद है, आपको ट्रिक्स पसंद है, आपको बंटीज पसंद है, मिस्टर एम की, तो क्या ये पाकिस्तान में बन रही है, मुसलमान बना रहे हैं? जब हम ये चीज़ें कर रहे हैं, हम ये चीज़ें खा रहे हैं, हम कहते हैं नहीं, गैर मुस्लिम के साथ बैठ के नहीं खाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाते थे। ओके जी, मैं कनेक्ट करती हूँ आपके पॉइंट के साथ। अगर ख़त्म हो भी जाता है फिर मैं आपको वॉइस पे सारा समझा दूँगी अपकमिंग लेक्चर में, वॉइस पे नहीं समझाऊँगी, आप बोर हो जाएंगी। खैर बहरहाल, तो एक बार फरिश्ते आ गए, फरिश्ते आ गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहचाना नहीं, फरिश्तों के लिए जो है दुम्बा ज़बह किया, खाना तैयार किया। जब खाने का वक्त हुआ, बैठ गए, जब खाने के लिए बैठ गए, तो उनको